हेलो रिहान, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। स्वाजीव सेट कर दशम श्रेणी बोर्ड एग्जाम निम्ते इंग्राजी ऑब्जेक्टिव प्रश्नपत्र आलोचना करवा, जोटा कि तुम्हें बहुत ही हेल्पफुल हे। ता पूर्व चैनल जो मैंने भी नुआ अच्छा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखु और पाखे बेल आइकन दबे अल नोटिफिकेशन ने प्रेस कर दिंतु। ताद्वारा कौन हेना जिते भिडटी अपलोड करी तुम निकटे सर्वप्रथमें नोटिफिकेशन टी पहुँच बुझे। सो डेरी नक भिडटि स्टार्ट करने। देखो एक नंबर क्वेश्चन कौन एसी ड्रेन कंटेन्स डैश एलोंग विथ अदर केमिकल्स। एसी ड्रेन कंटेन्स डैश एलोंग विथ अदर केमिकल्स, उत्तर हूँ कौन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। दुई नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हिच आर रिलेटेड द फास्ट एमंग द इंडस्ट्री दैट कॉज एयर पोल्यूशन। क्यों इंडस्ट्रीटा अधिक मात्रा रे कौन एयर पोल्यूशन करिथे, थर्मल पावर स्टेशन, सीमेंट इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज ना ओवर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। यार करेक्ट आंसर है जो थर्मल पावर स्टेशन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तीन नंबर प्रश्न जीवा द डेथ ऑफ लेक्स इन ईस्टर्न कनाडा। द डेथ ऑफ लेक्स इन ईस्टर्न कनाडा हाज बीन कॉज्ड बाय ईस्टर्न कनाडा नदीटा नष्ट हो जाइला कहा द्वारा, ऑटोमोबाइल्स, डेडली गैस फ्रॉम केमिकल प्लांट्स, स्मोक ना एसिड रेन। यार करेक्ट आंसर है जो एसी ड्रेन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा चार नंबर प्रश्न, एयर हाज डैश परसेंट ऑफ नाइट्रोजन एक अठस्तरी 0.1 ना 0.03 ना एयर हाज 78% ऑफ नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पांच नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हाई डू थर्मल पावर स्टेशन कॉज मोर पॉल्यूशन, कहीं थर्मल पावर स्टेशन टा अधिक मात्रा रे प्रदूषण करिथाए, बिकॉज दे डिस्चार्ज हाई अमाउंट ऑफ स्मोक ना बिकॉज दे डिस्चार्ज हाई अमाउंट ऑफ स्मोक एंड आश ना बिकॉज दे रिलीज हाई अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स ना बिकॉज दे डिस्चार्ज हाई अमाउंट ऑफ आश। उत्तर कौन हो ना बिकज दे डिस्चार्ज हाई अमाउंट ऑफ स्मोक एंड आश, से कौन अधिक से प्रदूषण करते, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। दुई नंबर क्वेश्चन कौन व्हाट अकॉर्डिंग टू द यूस्टेस पर्सी इज द डेडली एनमी ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी। कौन यूस्टेस पर्सी मत आम क्षतिकारक स्वास्थ्य प्रति क्षतिकारक अटे, इडलिंग, गैम्बलिंग, स्मोकिंग ना ड्रिंकिंग। उत्तर है जो ड्रिंक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ड्रिंकिंग। सात नंबर प्रश्न जीवा यूस्टेस पर्सी एडवाइस द स्टूडेंट्स, यूस्टेस पर्सी एडवाइस द स्टूडेंट्स टू बी डैश इन ऑल थिंग्स। यूस्टेस पर्सी एडवाइस कर उपदेश देखते कि सब जिनस कौन होगा उचित, ट्रुथफुल, करेजियस, आउटस्पोकन ना सिंसियर। उत्तर हूँ कौन ट्रुथफुल इन ऑल थिंग्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यूस्टेस पर्सी एडवाइस द स्टूडेंट्स टू बी ट्रुथफुल इन ऑल थिंग्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आठ नंबर क्वेश्चन कौन लॉर्ड पर्सी सेज दैट, लॉर्ड पर्सी सेज दैट डैश इज ए प्राइसलेस पोजेसन। लॉर्ड पर्सी कहते कौन हो अमूल्य संपद, गुड हेल्थ, ए साउंड माइंड, अंटार्निश्ड कैरेक्टर ना कर्टियस बिहेवियर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, अंटार्निश्ड कैरेक्टर। अंटार्निश्ड अर्थ कौन निष्कलंक, कलंकहीन चरित्र। नौ नंबर क्वेश्चन कौन अकॉर्डिंग टू लॉर्ड यूस्टेस पर्सी, अकॉर्डिंग टू पर्सी स्मोकिंग इन यूथ डैश द बॉडी। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड यूस्टेस पर्सी स्मोकिंग इन यूथ डैश द बॉडी ना स्टंट्स द बॉडी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नौ नंबर उत्तर है जो ऑप्शन नंबर ए। दस नंबर क्वेश्चन कौन लॉर्ड पर्सी एडवाइस द स्टूडेंट्स टू बी डैश टू देयर राइवल्स, कंसीडरेट, फेयर, पोलाइट ना इनडिफरेंट। ना उत्तर लिखे कौन दूरे जीवा, फेयर टू द फेयर टू देयर राइवल्स, फेयर टू देयर राइवल्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी पिला माने चैनल को सब्सक्राइब करनियो जाफर कि सब सब्जेक्टर प्रश्नपत्र पाइपर यापर सब्जेक्ट प्रश्नपत्र प्रोभाइड करेनेबी। एगार नंबर प्रश्न कौन द डॉक्टर इन विलेज सॉन्ग इज फुल ऑफ एडमिरेशन ऑफ डैश। द डॉक्टर इन विलेज सॉन्ग इज फुल ऑफ एडमिरेशन ऑफ डैश, ब्राइडल सॉन्ग्स, क्रैडल सॉन्ग्स, सैंडल सेंट्रल लेजर ना फॉरेस्ट नोट्स। उत्तर हूँ कौन एडमिरेशन ऑफ फॉरेस्ट नोट्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा
କହୁଛି ଦ ଡଟର୍ ଇନ୍ ଭିଲେଜ୍ ସଙ୍ଗ୍, ଭିଲେଜ୍ ସଙ୍ଗ୍ରେ ଝିଅଟି କହୁଛି, ଟେଲ୍ସ ଅର୍ ମଦର୍, ଝିଅଟି କହୁଛି ତା ମାଆକୁ, ସି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟେ, ସେଠାରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ କ'ଣ, ଡ୍ୟାସ୍ ଆର୍ କଲିଙ୍ଗ, ତାକୁ କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି, କୋଏଜ୍, ଫରେଷ୍ଟ, ରିଭର୍ ଆଇସ୍ଲେସ୍, ନା ଦ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାରି ପୋକ୍, ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ, ଦ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାରି ପୋକ୍, ପରୀ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠାରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। 12 number D ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 13 number question କହୁଛି, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଡଟର୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଭିଲେଜ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଗ୍ରିଭ୍, ଝିଅଟି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ଭିଲେଜ୍ ସଙ୍ଗ୍ କବିତାରେ ଝିଅଟି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ହର୍ ବ୍ରଦର୍, ହର୍ ମଦର୍, ହର୍ ଲଭର୍, ନା ହର୍ ଫାଦର୍, ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ, ହର୍ ଲଭର୍, ତା'ର ପ୍ରେମିକକୁ ସିଏ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। option number C ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 14 number question କହୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦ ଡଟର୍ ଇନ୍ ଭିଲେଜ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଡୁ ଦ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଡ଼େଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦ ଡଟର୍ ଇନ୍ ଭିଲେଜ୍ ସଙ୍ଗ୍, ଝିଅଟିର ମତରେ, ଭିଲେଜ୍ ସଙ୍ଗ୍ କବିତାରେ ଝିଅଟି ମତରେ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ୍ ସଙ୍ଗ୍, ଯେଉଁ ନାନାବାଇ ବିବାହଘର ଗୀତ, ଆଣ୍ଡ ଦ କ୍ରାଡ଼େଲ୍ ସଙ୍ଗ୍, ଆଉ ନାନାବାଇ ଗୀତ କ'ଣ ଅଟେ, ନା କ୍ୟାଟସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସରୋ, ଦୁଃଖଦାୟକ ଅଟେ। option number B ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଯିବା 15 number question, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଭିକି, ଭିକି କ'ଣ, ଏ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଏ ସ୍କୁଲ ବୟ, ଏ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ନା ଏ ସିଙ୍ଗର, ନା ଭିକି ହେଉଛି ଏକ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, option number C ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 16 number question, ହାଉ ଡଜ୍ ଭିକିସ୍ ବ୍ରେନ୍, ଭିକିର ବ୍ରେନ୍ଟା କିଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, ହ୍ୱେନ୍ ପିପୁଲ୍ କଲ୍ ହିମ୍ ଏ ସ୍ପେସିମେନ୍, ତାକୁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରଖାହେଇଥିଲା ତା ବ୍ରେନ୍ଟାକୁ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆସି ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ନମୁନା ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, ସେ କିଭଳି ଫିଲ୍ କରୁଥିଲା, ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼, ଭେରି ସ୍ୟାଡ଼, ଭେରି ଇନସଲ୍ଟେଡ଼, ନା ଓଭରଜଏଡ଼, ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ, ଭେରି ଇନସଲ୍ଟେଡ଼, ଭାରି ଇନସଲ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ। 17 number question ଯିବା, ହ୍ୱାଏ ଇଜ୍ ଭିକିସ୍ ବ୍ରେନ୍ ଅନ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଇନ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ହ୍ୱାଏ କାହିଁକି ଭିକିର ବ୍ରେନ୍ଟା ଅନ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଇନ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, କାହିଁକି ରଖାଯାଇଥିଲା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ, ନା ଟୁ ପ୍ରୋମୋଟ୍ ଗେନ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍, ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ, option number A ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 18 number question, ହ୍ୱାଟ୍ ଅଫେନ୍ସ ଡିଡ୍ ଭିକି କମିଟ୍ ୱାନ୍ସ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍, କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲା, ନଟ୍ ୱିୟରିଂ ଦ ରେନି ସୋଜ୍, ନଟ୍ ୱିୟରିଂ ଇଜ୍ ହେଲମେଟ୍, ନଟ୍ କିପିଂ ଦ ଲାଇସେନ୍ସ, ନା ନଟ୍ ୱିୟରିଂ ଦ ରେନ୍ କୋଟ୍, ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ, ନଟ୍ ୱିୟରିଂ ଦ ହେଲମେଟ୍, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନଥିଲା, option number B ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 19 number question, ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଡୁ ଦେୟାର୍ ଲେସନ୍ସ, ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଡୁ ଦେୟାର୍ ଲେସନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ୱିଥ୍ ଡୋର୍ସଟ୍, ସେମାନେ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଲେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ପାଠ କରିଥାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ, ୱିଥ୍ ଡୋର୍ ସଟ୍, ୱିଥ୍ ଡୋର୍ ଓପନ୍ସ, ଇନ୍ ଏ ରୁମ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଡୋର୍ସ, ନା ୱିଥ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ ଓପନ୍, ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ, ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରି, option number A ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ୱିଥ୍ ଡୋର୍ ସଟ୍। 20 number question ଯିବା, କହୁଛି କି ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହାଭ୍ ଦେୟାର୍ ହଲିଡେଜ୍, ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହାଭ୍ ଦେୟାର୍ ହଲିଡେଜ୍, ହ୍ୱେନ୍ ଦ ସମର୍ କମ୍ସ, ହ୍ୱେନ୍ ଦ ରେନ୍ସ କମ୍, ହ୍ୱେନ୍ ଦ ନାଇଟ୍ କମ୍ସ, ନା ହ୍ୱେନ୍ ଦ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କମ୍ସ, ଉତ୍ତର କହୁଛି କ'ଣ, ନା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସିଥାଏ ତାଙ୍କର ଛୁଟି ହେଇଥାଏ, ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ଛୁଟି ହେଇଥାଏ, option number B ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 21 number question ଯିବା, ଜୁମାନ୍ ଇଜ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୁଲକ୍, ଜୁମାନ୍ ହେଉଛି ମୋ ବଳଦର ମରିବାର କାରଣ, ହୁ ମେଡ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଏକଥା କିଏ କହିଛି, ଅଲଗୁ, ଜୁମାନ୍ସ ଆଣ୍ଟ, ଅଲଗୁସ୍ ୱାଇଫ୍, ନା ଏ ଭିଲେଜର୍, ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ, ଅଲଗୁର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛି, option number C ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 22 number question କହୁଛି, ସାହୁଜୀ ଉଡ୍ ରିଟର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମାର୍କେଟ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ସାହୁଜୀ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ୍ ଯାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ସଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଏଲ୍, ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେଟ୍, ଫ୍ରେଶ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍, ନା ଘି ଆଣ୍ଡ ସୁଗାର, ଧରୁଛି କ'ଣ, ଲୁଣ ଆଉ ତେଲ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ, option number A ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ସଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଏଲ୍। 23 number question ଯିବା, ହ୍ୱେନ୍ ଅଲଗୁ ୱାଚ୍ ନେମ୍ଡ ଚିଫ୍ ଜଜ୍, ଯେତେବେଳେ ଅଲଗୁର ନାଁ ନିଆଗଲା ସିଏ ମୁଖ୍ୟ ଜଜ୍ ହେବେ ବୋଲି, ଜୁମାନ୍ କିଭଳି ଭାବେ ଅନୁଭବ କଲା, ଜୁମାନ୍ ଫେଲ୍ଡ, ଆଙ୍ଗ୍ରି, ଡିସ୍କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ନର୍ଭସ୍, ନା ଓଭର୍ ଜଏଡ୍, ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ, ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଓଭର୍ ଜଏଡ୍, option number D ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 24 number question କହୁଛି, ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଆଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଟଙ୍କ ମତରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଲିପ୍ସ ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚର ହାର୍ଟରେ କିଏ ରହିଥାନ୍ତି, ହୃଦୟରେ କିଏ ରହିଥାନ୍ତି, ଟ୍ରୁଥ୍, ଗଡ୍, ଜଷ୍ଟିସ୍, ନା ଗଡେଶ ଦୁର୍ଗା, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭଗବାନ ରହିଥାନ୍ତି, ଗଡ୍ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପଞ୍ଚ, ଭଗବାନ ପଞ୍ଚର ହୃଦୟରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇପାରିବ।
25 नंबर क्वेश्चन कहुची समझू साहू रिफ्यूज टू पे द समझू साहू मना कर रिफ्यूज टू पे द प्राइस ऑफ बुलक सेइंग दैट अलगू हाड सोल्ड हिम डैश बुलक समझू साहू मना कर पैसा दबनी बोली आ कहला कि अलगू मत क्यों भरी बुलक दे क्यों बलक दे ए डिजीज ए यूजलेस ए डाइंग ना अनमेनेजबुल उत्तर जो कौन ए डाइंग बुलक दे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 26 नंबर प्रश्न इन माय टाइम मो समय रे मनी वाज नॉट येट इन यूज मनीर टंकार व्यवहार हो नथिला हु मेड दिस स्टेटमेंट ए कथा किए कहिछि ना द ओल्ड पिजांस फादर कहिछंति ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 26 नंबर ए इज करेक्ट आंसर 27 नंबर क्वेश्चन कहुची द ग्रैंडफादर सेड दैट डैश वाज द ओनली थिंग मेन कॉल देयर ओन कौन एपर एक जिनस जोटा कि लोक मैंने निजर बोली कहते लैंड मनी लेबर ना हाउस उत्तर कहीं जीव परिश्रम को निजर बोली कहते लेबर 27 नंबर सी इज करेक्ट आंसर 28 नंबर क्वेश्चन कहुची हु टोल्ड द किंग दैट द स्ट्रेंज थिंग वाज ए ग्रेन ऑफ कॉर्न किए राजा को कहला कि से जो अद्भुत जिनसटा होची गोटे शस्य दाना बोली द फार्मर्स द चिल्ड्रेन द वाइज मैन ना द ट्रैवलर उत्तर हो कौन द वाइज मैन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 29 नंबर क्वेश्चन कहुची हु वाज टूथलेस बेंट एंड पेल किए दांतहीन थिला आ बंका थिला बेंट थिला पेल थिले द ओल्ड पिजन द ओल्ड पिजन्स फादर द ओल्ड पिजन्स ग्रैंडफादर ना द ट्रैवलर उत्तर कहीं जीव हु वाज टूथलेस आ दांत नथिले आ बेंट थिले आ कोन किए थिले उत्तर जो कोन द ओल्ड पिजन वृद्ध कृषक ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 30 नंबर प्रश्न जीवा द किंग ब्रॉट द ग्रेन आज बी गैज हेन्स एग फ्रॉम डैश राजा कहा ठारु किणिले से कुकुड़ा अंडा परी शस्यटी को फार्मर वाइज मैन ट्रैवलर द चिल्ड्रेन उत्तर हूँ कौन ए ट्रैवलर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 31 नंबर क्वेश्चन कहुची द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग गारो दे द मैटर रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ ए सुटेबल फ्रेजाल वर्ब गिवेन बोल इन्वेस्टिगेटिंग फ्रेजाल वर्ब टी कौन अटे लुकिंग अप लुकिंग फॉर लुकिंग आफ्टर ना लुकिंग इन टू उत्तर हूँ कौन लुकिंग इन टू ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा मोस्ट चिल्ड्रेन टेक डैश देयर पेरेंट्स मोस्ट चिल्ड्रेन टेक अफ देयर पेरेंट्स मोस्ट चिल्ड्रेन कौन डैश देयर पेरेंट्स आफ्टर डाउन अफ अफ ना ओके मोस्ट अफ द चिल्ड्रेन टेक ये लगे कौन आफ्टर लगे उत्तर जो आफ्टर हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर मोस्ट चिल्ड्रेन टेक आफ्टर देयर पेरेंट्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कहुची इफ यू वर्क हार्ड डैश हब यूड गेट ए फास्ट डिविजन यू विल गेट ए फास्ट डिविजन यू गेट ए फास्ट डिविजन ना यू सुड गेट ए फास्ट डिविजन उत्तर कहीं जीव कहला कि इफ यू वर्क हार्ड जदि तुम्हें कम कर यू विल गेट ए फास्ट डिविजन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 34 नंबर क्वेश्चन कहुची द मैन ही इज टेकिंग टू इज माई अंकल The man he is taking to my uncle, the underline clause is an dash clause. He is talking to the talagar deichi. Eta gote ki clause gote? Noun, adverb, defining relative na non-defining relative. 34 number uttar kon hoibo? Na eta gote defining relative gote. Option number C is correct answer. Next question jiba 35 number question we eat so that we may live. The underline clause is an adverb clause of dash. ए सो दैट वी मे लिप तले गार देची ए जो आडभर्बटा कौन अटे कौन पर रही कनसेसन रिजन कंडीशन ना परपोज तर जो कौन परपोज पाई ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 36 नंबर क्वेश्चन कहुची वी ऑल थॉट दैट ही वुड कम टू द मीटिंग दैट ही वुड कम टू मीटिंग तले गार देची कहुची द अंडरलाइन नाउन क्लज इज द डैश सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कम्प्लीमेंट अफ ए वर्ब ना ऑब्जेक्ट अफ ए प्रिपोजिशन उत्तर कहीं जीव वी ऑल ब्रॉट दैट कौन ऑब्जेक्ट अफ ए वर्ब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 36 नंबर बी इज करेक्ट आंसर
37 नंबर क्वेश्चन जीबा सरिता सेड इट इज स्टिल रेनिंग इट कैन बी चेंज इंडायरेक्ट स्पीच चेंज कले कौन हम ना सरिता आस्क्ड इट इफ इट वाज स्टिल सरिता आस्क्ड इफ इट वाज स्टिल रेनिंग 37 नंबर ए इज करेक्ट आंसर 38 नंबर क्वेश्चन कौन ही सेड गुड लक से कहला गुड लक इट कैन बी चेंज इंडायरेक्ट स्पीच चेंज कले कौन हम ना ही विश्ड मी गुड लक ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 39 नंबर आई विल राइट टू हिम आई विल राइट टू हिम इट कैन बी चेंज इन पैसिव वॉइस चेंज कले कौन हम हि विल बी रिटेन हि शैल बी रिटेन हि शैल बी रिटेन टू ना हि विल बी रिटेन टू उत्तर कौन हो 39 नंबर उत्तर इट कैन बी चेंज पैसिव आई विल राइट टू हिम ना उत्तर जो ही विल बी रिटेन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 39 नंबर ए इज करेक्ट आंसर 40 नंबर क्वेश्चन कहूँ आई हैव विजिटेड दिस प्लेस बिफोर आई हैव विजिटेड दिस प्लेस बिफोर इट्स पैसिव वॉइस कौन हम ना तो दिस प्लेस हाज बीन विजिटेड बिफोर दिस प्लेस हाज बीन विजिटेड बिफोर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 41 नंबर क्वेश्चन कहूँ इंटरेस्टिंग हबीज एंड गुड बुक्स विल एक्सरसाइज ओवर द स्टूडेंट्स एंड इनफ्लुएंस फॉर गुड तले गार दे द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स कौन अटे परमानेंटली पॉजिटिवली फॉर बेटरमेंट ना फॉर गुड पर्पोज उत्तर कौन जी परमानेंटली ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 42 नंबर क्वेश्चन कहूँ एयर पॉल्यूशन इज ए क्रुशियल प्रॉब्लम द अर्थ इज फेस्ड विथ एयर पॉल्यूशन इज ए क्रुशियल प्रॉब्लम द अर्थ इज फेस्ड विथ द अंडरलाइन वर्ड क्रुशियल तले गार देछि यार अर्थ कौन डिफिकल्ट क्रिटिकल डेंजरियस ना पजलिंग उत्तर जो कौन क्रिटिकल ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 43 नंबर क्वेश्चन जीवा एसिड रेन किल्स डैश ऑफ द फॉरेस्ट एसिड रेन किल्स डैश ऑफ द फॉरेस्ट ए लास्ट स्ट्रेचेस ए लास्ट स्ट्रेचिंग्स ना लास्ट स्ट्रेच्ड उत्तर हो कौन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर लार्ज स्ट्रेचेस एसिड रेन किल्स लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ द फॉरेस्ट 44 नंबर डोंट हेजिटेट टू सीक डैश फ्रॉम योर टीचर्स डोंट हेजिटेट टू सीक डैश फ्रॉम योर टीचर्स ना डोंट हेजिटेट टू सीक एडवाइस फ्रॉम योर टीचर्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 45 नंबर क्वेश्चन जीवा द कैटालिटिक कन्वर्टर चेंजेस डैश इनटू हार्मलेस सब्सटेंस द कैटालिटिक कन्वर्टर चेंजेस डैश इनटू हार्मलेस सब्सटेंस पल्यूड पल्यूटेंस पल्यूटिंग ना पल्यूशन 45 नंबर उत्तर कौन हो द कैटालिटिक कन्वर्टर चेंजेस पल्यूटेंस इनटू हार्मलेस सब्सटेंस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी पिलामने चैनल को सब्सक्राइब करनियो जाफर कि सब सब्जेक्टर प्रश्नपत्र पाइपर 46 नंबर क्वेश्चन कहूँ स्टूडेंट सुड हाव डैश मैनर्स कोट कर्टियस ना कर्टेसी स्टूडेंट सुड हाव कर्टियस मैनर्स 46 नंबर बी इज करेक्ट आंसर 47 नंबर क्वेश्चन जीवा द मिनेस ऑफ एयर पोल्यूशन द मिनेस ऑफ एयर पोल्यूशन हाज नाउ रीच द पीक द अंडरलाइन वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय मिनेस तले गार देछि कौन हो एटा मिनेस अर्थ कौन हार्म थ्रेट प्रॉब्लम ना अमाउंट कौन थ्रेट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 48 नंबर क्वेश्चन कहूँ बी टेम्परेरी इन ऑल थिंग्स द एनाटॉमी ऑफ अंडरलाइन वर्ड कौन हम टेम्परेटर आनाटमी कौन हम अनटेम्परेट डिस्टेम्परेट इनटेम्परेट ना मिसटेम्परेट उत्तर हूँ कौन इनटेम्परेट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 49 नंबर क्वेश्चन कहूँ न्यू कार्स हैव बीन इक्विपाइड डैश डिवाइस सच एज कैटालिटिक कन्वर्टर विथ बाय फॉर ना इन न्यू कार्स हैव बीन इक्विपाइड डैश डिवाइस सच एज कैटालिटिक कन्वर्टर उत्तर हूँ कौन With ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर न्यू कार्स हैव बीन इक्विपाइड विथ डिवाइस सच एज कैटालिटिक कन्वर्टर 50 नंबर क्वेश्चन जीवा स्टूडेंट सुड हैव करेज टू स्टैंड अप डैश व्हाट इज गुड विथ फॉर इन एट ना फॉर स्टूडेंट सुड हैव करेज टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज गुड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर एति कहूँ मोर प्रश्नपत्र आशा करुच्छे आपके भिडियो भल लगी जब आपके भिडियो भल लगी निश्चित भाव में भिडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर और मोस्टली सांग सहित सेयार करनी।
ओके आउ सब सब्जेक्टर प्रश्नपत्र पाइबा पई एबे ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखंतु। थैंक यू सो मच।